सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है हम, फायर। सो कूल डाउन कीजिए और देखिए हमारी अमेजिंग कैफे रिकमेंडेशंस, जिसमें सिजलिंग हॉट खाना, टेम्पटिंग आइस कोल्ड समर के लिए परफेक्ट ड्रिंक्स एंड माउथ वाटरिंग स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स ऐसे डेजर्ट्स जो आपको दीवाना बना दे। सो कम विद अस इन अनदर एपिसोड ऑफ अमेजिंग कैफे फाइंड्स अपने नोएडा में। नमस्ते गाइस, हम है सिस्टर्स वर्सेस ग्लोब। मैं हूँ नेहा और मैं हूँ मेघा और हम आ गए हैं दोबारा से कैफे की खोज में। यस गाइस, बेस्ट कैफेज आपके लिए ढूंढने के लिए अभी देखेंगे, बिल्कुल हमारे पीछे कोई है नहीं क्योंकि अभी कितने बज रहे हैं, सुबह के दस बज रहे हैं गाइस। हम सीधे ब्रेकफास्ट प्लेस ढूंढने आए हैं। राइट, और काफी लग्जूरियस प्लेस है जो ये अभी रिसेंटली सेक्टर 104 नोएडा में खुली है, तो जल्दी से इसे एक्सप्लोर करते हैं और इसके आगे हम दो रेस्टोरेंट आपको और दिखाएंगे। सो लेट्स गो। तो जो ये कैफे है ये थर्ड फ्लोर पे है, तो हमने आज लिफ्ट ले ली है। यस, और इसको खुले हुए कुछ 2.5-3 महीना हो गया है, हमें भैया ने बताया। सो लेट्स गो, हमें बड़ा मजा आ रहा है। कैफे एंटर करते ही आपको पता चलेगा दिस इज अ क्वालिटी रेस्टोरेंट, बिकॉज यहाँ पे जो है डेकोर बहुत ही सुंदर है, एक लग्जरी वाइब दे रहा है। आप अंदर भी बैठ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सिट आउटसाइड एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड द बेस्ट थिंग इज इट हैज़ अ बार, सो आपकी मिमोसा से लेके लेट नाइट शॉट्स एवरी थिंग इज कवर्ड हेयर। यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, आप ये सेटअप देख सकते हैं। सो एवरी नाइट इट्स काइंड ऑफ अ पार्टी नाइट ओवर हियर। गाइज, हम लोग हैं कैफे डीलैन में और ये एक लग्जूरियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन है नोएडा के अंदर, एंड देखिए हमने क्या क्या मंगाया है। बहुत ही अच्छा हो रहा है, एकदम हेल्दी सुबह सुबह फ्रेश फ्रूट्स और स्मूदी, एकदम क्रीमी, अमेजिंग। सो गाइज, ये है स्टैक ऑफ पैनकेक्स और इसके साथ आया है मेपल सिरप, खूब एक बड़ा सा इसके ऊपर बटर भी था जो अब मेल्ट हो गया है, फिग रेलिश है और ये बेरी कॉम्पोट। सो हम इसको खाते हैं सारे लेयर्स लेके, थोड़ा सा ये फिग रेलिश लगा के देखिए। बहुत ही डिलिशियस, एकदम मेल्ट इन द माउथ, इतने सॉफ्ट हैं ये पैनकेक्स। Very nice, it's delicious. कैसा हो रहा है? बहुत ही बढ़िया हो रहा है, वेजीज भी अच्छे हो रहे हैं। तो सनी साइड के आप, सिर्फ सनी साइड नहीं है, ब्रेड है, वेजीज है और सैलड भी है, तो अच्छा है आपको, बहुत ही डिलीशियस है और हर चीज़ की क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और एम्बियंस तो बहुत ही गजब है भाई, बहुत ही। प्रेजेंटेशन भी, यू नो, एक सनी साइड अब हमको लगा था बस एक प्लेट में आ जाएगा, लेकिन इट इज़ अप विथ वेजीज, उसके साथ ब्रेड है बहुत ही टेस्टी, एकदम टोस्टेड और इतने अच्छे अच्छे पोटेटो वेजेस। राइट, और स्मूदी बोल देखो यार, कितने सारे अच्छे फ्रेश फ्रूट्स डाले हुए हैं, और जो स्टैक है पैनकेक का वो भी काफ़ी डिलीशियस है, स्पेशली जो फिग डाला है वो तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट दे रहा है, वेरी डिफरेंट है, फिग के साथ कभी नहीं खाया। यूजुअली क्या होता है कि क्रीम और बेरी कॉम्पो मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन था
एंड हम आपको ये पूरा एरिया भी दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही सुंदर बना है, तो इंस्टाग्राम के लिए तो हमने तो यहाँ पे बहुत देर तो फोटोशूट कर दिया आई थिंक, और सुबह सुबह काफ़ी खाली भी है मम्मी है। सो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट आवर्स आर फ्रॉम 7:30 टिल 11, आई थिंक ये 7 बजे खुल जाता है बट इनकी अपनी प्रिपरेशन के लिए, बट 7:30 इट्स ओपन टू ऑल, एंड 11 बजे तक आप दे सकते हैं ब्रेकफास्ट का लास्ट ऑर्डर। We ordered 3 dishes and hamara bill around 1125 aaya, so the place is slightly expensive. So ye hai yahan ka bahar balcony ka area jo ki winter mein bahut hi amazing lagne wala hai. मॉल ऑफ इंडिया के 3rd फ्लोर पे लोकेटेड है हनी एंड डो, विच इज रिसेंटली ओपन, और ये है एक कैफे एंड पिटिसरी, मतलब यहाँ पे कैफे का सारा खाना मिलेगा विच इज फास्ट फूड, प्लस यू विल हैव अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ स्वीट्स। अच्छा हो रहा है, मीठा है लेकिन एक इसमें बड़ी अच्छा सा कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा है, तो काफ़ी टेस्टी हो रहा है। वैसे इसमें मैं ज़्यादा चॉकलेट एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उतना ज़्यादा चॉकलेट ही नहीं है बट नॉट बैड। तो अभी हमने बनवाया है ये हनी ग्लेज्ड पेपरोनी पिज्ज़ा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो आई एम श्योर खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। बहुत ही गर्मा गर्म है, धुआं निकल रहा है। गाइस अब हम लोग जो खा रहे हैं वो है ये लैम्ब स्लॉपी जो बर्गर, और उसके साथ आई है फ्रेंच फ्राइज। बर्गर आप देखोगे तो काफ़ी मतलब हाइट अच्छी है, अंदर पैटी भी अच्छी लग रही है और थोड़ा टेस्टी टाइप लग रहा है, देखते हैं कैसा है लेकिन एक बार खा कर। फ्रेंच फ्राइज बहुत टेस्टी है। तो ये है मड केक, हॉट मड केक विद आइसक्रीम, ये अच्छा है पर उतना हॉट नहीं है और मीठा भी थोड़ा ज़्यादा है। और ये ड्रिंक क्या मंगाई है? ये तो यार घर में जो बनती है सबसे जिंजर हनी टी। बताओ आप मंगवाते क्या है फिर रेस्टोरेंट में आकर ग्रीन टी के घर में बन जाती है? नो तो ऐसा करो कि कमेंट में जो जो यहाँ तक पहुँच गए हैं ना ग्रीन टी लिख दो कमेंट में, ताकि हमें पता लग जाए कि आपने यहाँ तक देख लिया। और ये देखो जो मैंने मंगाई है डबल एस्प्रेसो, ये आई है बिस्किट के साथ और ये भी बिस्किट के साथ आई है, सो दैट्स नाइस। सो गाइज ये कैफे हनी एंड डो इज़ अ गुड एडिशन टू मॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं प्लस इज रीजनेबली प्राइज्ड। हम लोगों ने 4 ड्रिंक्स मंगाई थी कोल्ड एंड हॉट, प्लस लाइक 1 डेजर्ट,
टू मेन्स एंड हम लोगों का बिल अराउंड 2200 के अराउंड आया था. हम बिल की फ़ोटो खींचना भूल गए लेकिन प्लीज़ टेक आवर वर्ड फॉर दिस, यही था हमारा बिल. बाकी यू नो कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी डिश वी हैव पुट इन दिस वीडियो, सो यू कैन हैव अ लुक एंड ओवरऑल वी हैड अ गुड एक्सपीरियंस. घूम लिया है जग सारा, 104 है सबसे प्यारा. सो गाइस फिर से आगे हम 104 में लेकर कैफे नंबर 3 विच इज कॉल्ड हबीतात. ये कैफे वॉकिंग डिस्टेंस पे है कैफे डी लैंड से, जो हमारा फर्स्ट कैफे था, एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कैफे विद आउटडोर सीटिंग प्लस इंडोर सीटिंग. इस कैफ़े की वाइब्स बिल्कुल एक कोजी फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन के लिए या फिर एक फर्स्ट डेट के लिए एप्ट है. यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स भी हैं, सो इट इज़ लाइक अ वेरी नाइस कैफ़े जहाँ पर आप सोलो भी आ सकते हैं. मेन्यू में कॉफ़ी के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड क्विक बाइट्स एंड ईजी फास्ट फूड अवेलेबल है, विच इज़ चाइनीज एज वेल एज इटालियंस या फिर जेनरिक फास्ट फूड. हाय गाइस, हम हैं हबीतात में और ये है सेक्टर 104 में, एंड ये है एक कॉफ़ी स्पेशलिटी प्लेस जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट कॉफ़ी एंड कॉन्वर्जेशन. और ये अभी रिसेंटली खुला है और इनके पास बहुत अच्छा बुक कलेक्शन भी है इन केस यू आर इंटरेस्टेड. और ये कॉफ़ी के ग्लासेस देखिए इतने अमेजिंग लग रहे हैं और इसमें भरी जो कॉफ़ी है वो बहुत टेस्टी है. ये है कॉफ़ी श्रब विद यूजू और ये क्या है नियो, इसमें सोडा डलाया है, आइस्ड कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी, पर उसके ऊपर एक पॉप है जो कि आइस्ड पॉप है, इसका नाम है कॉफ़ी आइस्ड पॉप और समथिंग. सो ये काफ़ी डिलिशियस ड्रिंक्स है एंड गर्मी में एकदम परफेक्ट बिकॉज इट्स फिल्ड विद आइस. यूजुअली कॉफ़ी प्लेसेस में खाने से आपकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती बिकॉज इट्स अ गिवन दैट इट मे बी मीडियोकर, लेकिन यहाँ पे खाना रियली सरप्राइज्ड अस. दो वी ऑर्डर जस्ट वन डिश बट वाज गुड. कैफे रीजनेबली प्राइज्ड है एंड बेस्ट थिंग इज दे डोंट चार्ज सर्विस चार्ज, सो दैट्स रियली ग्रेट. क्योंकि हम कवर कर रहे थे मल्टीपल कैफेज, हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं कर पाए, बट दिस इज़ वन कैफे वी वुड रियली वॉन्ट टू विजिट अगेन. वी होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो. एकदम तपती गर्मी में बाहर निकल के ये वीडियो बनाई है आपके लिए, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड स्क्रीन पे है और हमारी कैफे फाइंड्स, तो इस लिंक पे क्लिक करिए एंड वो सभी देखिए.